मित्रों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम मसावी पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने मसावी, दो संख्याओं का मसावी और रिड्यूस फॉर्म में अति संक्षिप्त रूप किस प्रकार किया जाता है वहां पढ़े, लेकिन भागाकार पद्धति जो है मसावी निकालने की, वहां दो संख्याओं का स्पेशल मसावी जिस वक्त निकाला जाता है उसी वक्त इस्तेमाल की जाती है। अब यह वर्टिकल वे, वर्टिकल अरेंजमेंट हम जितने देखते हैं खड़ी मेथड कहते हैं मसावी निकालने की। तो अपने हमें 60, 12 और 36 का मसावी निकालना है। आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिख लीजिएगा 60, 12 और 36 इस प्रकार। उसके बाद में वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कीजिएगा। अब हमें डिविजिबल टेस्ट मालूम है कौन से नंबर से तीनों को भाग जाएंगे जाएगा वह लिख लीजिएगा। सबसे पहले अपन दो लेंगे, दो से अगर तीनों संख्याओं को भाग जाता है तो दो लिखिएगा, तीनों संख्याओं को दो से भाग जाता है इसलिए दो का इस्तेमाल कीजिएगा। दो से 60 को भाग दीजिएगा कितना आएगा, भाग 30 का जाएगा। इसमें 2 6 12 6 का जाएगा, इधर 2 1 2 और 2 8 16 18 का भाग जाएगा। तो भागाकार जो आता है वो ऊपर ना लिखते हुए नीचे लिखिएगा। उसके बाद और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिएगा और फिर तीनों या चारों जो भी संख्याओं 36 और 89 रिड्यूस होगा। उसके बाद में फिर टू अप्लाई कीजिएगा, अगर जाता हो ना जाता हो तो फिर 3 से ना जाता हो तो 4। इस प्रकार आप आगे के क्रम में बढ़ते जाइएगा, लेकिन 2 फिर लिखिएगा इसलिए पूछे तीनों संख्याओं को भाग जा रहा है सभी संख्याओं को। तो यहाँ 15 का भाग जाएगा, यहाँ पर 3 का भाग जाएगा, यहाँ 9 का जाएगा। अब इसके बाद फिर हम 2 लेने का है, लेकिन 2 से यहाँ भाग किसी भी संख्या को या तीनों संख्याओं को नहीं जा रहा है इसलिए हम नेक्स्ट नंबर 3 आपका 3 का भाग जाएगा। अब भाग दीजिएगा 5 का जाएगा, यहाँ पर 1 का जाएगा, यहाँ पर 3 का जाएगा। अब इसके बाद तीनों संख्याओं को ऐसे कोई भी कॉमन नंबर नहीं जिससे भाग जा रहा है, इसका मतलब यह 3 कॉमन नंबर मिले जिसको महत्तम साधारण विभाजक मिले हमें बड़े से बड़ा। तो यहाँ उसके बाद में इसका आपको मसावी लिखने का है। मसावी तो मसावी कौन सा है कॉमन नंबर, 2 2 और 3, इसको गुणाकार कर दीजिए, गुणा कर दीजिएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 इस प्रकार ये दूरी 4 4 12 यानी 12 यहाँ हो गया मसावी। इस प्रकार आप मसावी इजीली निकाल सकते हैं इस वर्टिकल अरेंजमेंट से। थैंक यू। अगर से आपको यहाँ वीडियो अगर से पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल को भी क्लिक करिएगा।